हेलो दोस्तों, मैं हूं शाहिद और आप देख रहे हैं आर्ट न्यूज वर्ल्ड, जहां पर जहांगीर आर्ट गैलरी में ऑडिटोरियम हॉल में एक शो लगा है आइडेंटिटी। तीन आर्टिस्टों ने मिलकर यहां पर एग्जीबिशन किया है, उसमें दो पेंटर है और एक स्कल्प्टर। तो मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर जाकिर हुसैन तन्हा, जिनके काम आप बैक साइड में देख रहे हैं इस गैलरी में। 15 आर्ट वर्क यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये सारे काम सर रियलिज्म से रिलेटेड, कॉमिक्स, स्टोरीज, हिस्ट्री को रिलेटेड बहुत सारे काम आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो आज सिंबॉलिक तौर पे इन्होंने बताने की कोशिश की है। इनके काम, जाकिर साहब के काम मुंबई के बहुत सारे जगहों पर शो हो चुके हैं और उसके साथ साथ इनके दुबई, अलग अलग कंट्रीज में भी जा चुके हैं और इनके काफ़ी काम की मांग बनाई हुई है। और इस समय यहाँ पर आइडेंटिटी के इस ग्रुप में इनका काम, सारे काम आपको इस टीवी के जरिए दिखाएंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं आर्टिस्ट मिस्टर जाकिर हुसैन। मेरे यहाँ पर 15 और लगे हुए हैं, इसमें कुछ ज़्यादातर जो है फीमेल पर बनाए हुए हैं और मैं फीमेल के लिए हमेशा फेस के जगह पर एप्पल यूज़ करता हूँ, जो कि सिंबल ऑफ नॉलेज है और सिंबल ऑफ ब्यूटी है। तो कहाँ कहाँ पर आपके शो हो चुके हैं? हाँ, मैं ऐसे ग्रुप शो में जो है यूरोप में भी गया हुआ है, एम्स्टरडम और बेल्जियम और सिंगापुर में भी हुआ है, साउथ कोरिया में, ऐसे इंटरनेशनल शो होते हैं। और इसके साथ साथ आपने दुबई में भी शो किया था, वहाँ का कैसा रिस्पांस रहा था वर्ल्ड आर्ट दुबई में? दुबई में हर साल होता है वर्ल्ड आर्ट दुबई, जो जहाँ पर मैंने 5-6 बार अभी कंटिन्यू कर 4-5 साल से कर रहा हूँ कंटिन्यू, और अच्छा रिस्पांस रहा है। तो इस तरह के सारे वर्क्स हम इस टीवी के जरिए दिखाएंगे, तो जुड़े रहिए इस टीवी के साथ। थैंक यू। ऐसे तो मैं सोलापुर से हूँ, लेकिन यहाँ पर 2000 से मैं मुंबई में जॉब कर रहा हूँ अंजुम इस्लाम स्कूल में एक आर्ट टीचर की हैसियत से। ऐसे मेरा वर्क जो है सरियलिज्म में है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ज़ाहा हदीद, जो एक बेस्ट आर्किटेक्टर हैं, डिज़ाइनर हैं, इसने पूरे डिज़ाइन का नक्शा ही बदल दिया, बिल्डिंग का जो डिज़ाइन था पूरी तरह मॉडर्न बना दिया। तो उसकी पहचान, उसकी अजरबैजान में एक बिल्डिंग है हैदर अली, तो उसके फेस के जगह मैंने उसका मार्क, सिंबॉलिक मार्क डाल दिया हूँ। जैसे हर जगह मैं एप्पल लेता हूँ, लेकिन उसके बिल्डिंग इतनी अच्छी लगी, डिज़ाइन इतना अच्छा है, तो मैंने उसके फेस पर ही रख दिया हूँ। उसी सीरीज पर एक वर्क ये बना हुआ है, जो कि मेरा खुद का बहुत फेवरेट वर्क है। तो यहाँ पर देख रहे हैं वही ज़ाहा हदीद, उसके फेस पर मैंने उसकी जो बिल्डिंग है हैदर अली, जो बाकू में मौजूद है, अभी भी है वहाँ पर, तो उस पर बनाया हुआ है। ये मैरी इनिंग पर बनी हुई पेंटिंग है। मैरी इनिंग फॉसिल्स कलेक्टर थी उस टाइम पर, फॉसिल्स कलेक्टर के लिए उतने वैल्यू नहीं थी, औरतों के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपना एक नया ढूंढ के निकाला है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, वो इंसान, आदमी ये सोचता है कि ये मेरे लिए बनी है, लेकिन औरत ही ऐसे है जो अपने बॉडी का पार्ट मानती है नेचर को। तो ये सर्च वही कर रही है, अपने आप को ढूंढ रही है। फॉसिल्स कलेक्टर इसका मतलब इसका शौक था, और उस वक्त उतनी हैसियत नहीं थी औरतों के लिए ये जॉब के लिए, लेकिन उसने खुद से पूरी तरह मशगूल रही और नए नए हड्डियाँ उन्होंने जमा किया। इस पेंटिंग में सेल्फी विद ताज मैंने ऐसे बताया है, एक जो खूबसूरत लड़की है, जो नहायत ही खूबसूरत है, लेकिन फिर भी वो ताज को देख रही है। ये पेंटिंग एने फ्रैंक के ऊपर बनी हुई है। हिटलर ने जब बहुत ज़्यादा उन पर पाबंदी लगाई, ज्यूइश लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, तो अपने आप को छोटे से कमरे में कैद थे वो लोग, तो जो फीलिंग होता था उस वक्त, जैसे यहाँ मैंने यहाँ पर नकली चीज़ें बताई हुई हैं, तकलीफ़ देने वाली सब, मतलब ये ज़ाहा हदीद का? यस, ज़ाहा हदीद। उसका ड्रेसिंग भी बहुत अच्छा था, आप देखे होंगे, ज़ाहा हदीद का बहुत क्रिएटिविटी थी उसकी। feminist art. Yes, yes. उसका पेंटिंग नाम ही दिया हुआ है, क्वीन ऑफ कर्व। क्वीन ऑफ कर्व, हाँ। आई एम सारिका बोरस, आई जस्ट हैपन टू कम टू जहांगीर आर्ट गैलरी एंड आई एम अमेज्ड एट द वर्क ऑफ जाकिर हुसैन तन्हा। दिस इज ब्यूटिफुल अमेजिंग वर्क एंड स्पेशली दीज पीसेज, अ कपल ऑफ पीसेज ओवर हियर। I'm a big fan of Zaha Hadid's, the architect who won the Pritzker Prize for architecture, I believe, in Chicago.
and this is a building in Azerbaijan, Baku, which he has stylized in the shape of, the face is actually the building, and that's how he paints his work, which is incredible. He uses the apple instead of painting the woman's face, which he symbolizes as the center of knowledge and wisdom, because he learned all his art from his mother, and that is what is important to him. And this is another painting where he has painted Zaha Hadid, and then the same building from a different perspective. I wish you all the best, Sakir Hussain Ji, for just amazing work, and continue to do this in the future.